हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिच देसी फूड चैनल। तो आज हम बनाएंगे चिली पनीर, वो भी विदाउट विनेगर एंड सोया सॉस। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो चिली पनीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, इन्हें क्यूब्स में कट कर लिया है और अब हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, यानी सारे पनीर के क्यूब्स को हम कॉर्नफ्लोर से कोट कर लेंगे अच्छे से। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल को महीन पीस कर उसका यूज़ कर सकते हैं। हाई फ्लेम पर पनीर को गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेंगे। इसे हमें हाई फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि पनीर के क्यूब्स हैं ऊपर से क्रिस्पी रहें और अंदर से सॉफ्ट। इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें और फिर निकाल लीजिए। अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। तेल गरम करते ही अब हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। ध्यान रहे कि हमें कुकिंग हाई फ्लेम पर ही करनी है क्योंकि चिली पनीर हाई फ्लेम पर ही बनाई जाती है। और अब हम अनियन ऐड कर देंगे। अनियन को हमें इस शेप में काटना है। इसे 102 मिनट के लिए स्टर कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे और थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर कैप्सिकम ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से चला लें। 1 से 2 मिनट बाद हम यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। अब नमक ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर मीडियम फ्लेम कर लेनी है और थोड़ी देर तक पकने देना है। आप चाहें तो यहाँ पर काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून शेजवान चटनी ऐड करेंगे। शेजवान चटनी बनाना बहुत ईजी है, इसे आप घर पर भी ईजीली बना सकते हैं। शेजवान चटनी की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर चिली पनीर का मसाला ऐड लेंगे। मैंने यहाँ पर चिंग्स का मसाला लिया है। मसाले को 1 कटोरी में पानी में ऐड कर लेंगे और मिक्स करके हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसे थोड़ी देर तक चलाएंगे और जैसे ही हमारा ग्रेवी का कलर चेंज होने लगे, आप यहाँ पर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेकर और उसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके मिक्स कर दीजिए। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप पिसा हुआ चावल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन महीन पिसा हुआ होना चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स करें। अगर आपको थिक ग्रेवी पसंद है तो आप इसे 2 से 3 मिनट थोड़ा सा और कुक करें। अब हम यहाँ पर पनीर ऐड कर देंगे और बस हम 1 मिनट तक हमें पनीर को अच्छे से मिक्स करना है। तो बस हमारा चिली पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट है और इसमें विनेगर और सोया सॉस का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये हेल्दी भी है। एक बार मेरे स्टाइल से इसे बनाकर ज़रूर देखिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।